शेख, मेरा सवाल हेल्थ इंश्योरेंस के तरफ से, मेडिकल इंश्योरेंस के तरफ से। तो यहाँ पे जो है ना शेख, ये इंश्योरेंस जो है हुकूमत की तरफ से लाजिम है, और कंपनी जो है हम लोगों को इंश्योरेंस देती है, जो मेडिकल इंश्योरेंस है। ठीक है शेख, तो यहाँ पे तरीका ये होता है कि कार्ड दिया जाता है, तो उस कार्ड में हम लोग यानी कि किसी क्लिनिक से, जब जब जैसे हम लोग को बीमारी है तो क्लिनिक से जाके उसको दवाई जो है सब वो लोग ही देते हैं। कुछ हम लोग को कुछ इसमें कुछ ना ही कुछ हिस्सा लेना होता है, ना ही उन लोग मतलब पूरा क्लिनिक ही देखती है, जो भी है इंश्योरेंस से जो भी ताल्लुक है। तो ये क्या, ये करना क्या ये सही है सर? जायज रहेगा? ये आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं? मैं इमारत यूएई की बात कर हाँ, इमारात की बात कर रहे हैं। रहा हूँ। जो आपने शुरू में कहा कि हुकूमत की तरफ से लाजिम है, मुझे नहीं मालूम कि ये लाजिम है। हुकूमत आपको मजबूर नहीं करती है इंश्योरेंस लेने पर, अलबत्ता ये हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको मजबूर नहीं करती है हुकूमत कि आप हेल्थ का इंश्योरेंस लो। बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जब आप वहां नौकरी करते हैं तो कंपनियां कहती हैं कि अगर आप हेल्थ सर्विस लेना चाहते हैं तो हम आपको इंश्योरेंस देंगे। और फिर वो कंपनी जिसमें आप नौकरी कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस कंपनियों के साथ उनका टाई अप होता है और उनके साथ वो आपके नाम का इंश्योरेंस खरीदती है, और आपकी जो कंपनी होती है वो जो किस्तें वही भरती है। इस तरह होता है। बाकी हुकूमत की तरफ से जो है इजबारी हो कि नहीं हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है आपके लिए, ऐसा मुझे इल्म नहीं है, वल्लाहु आलम। बहरहाल, चाहे हुकूमत इंश्योरेंस दे, कोई प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस दे आपको, या आप खुद इंश्योरेंस खरीदें, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या ट्रेड इंश्योरेंस हो या होम इंश्योरेंस हो, इस इंश्योरेंस की जितनी भी किस्में इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं सब हराम हैं, सब हराम हैं, और किसी के हराम होने में कोई शक और शुबहा नहीं है। इसके अंदर जुआ भी है, इसके अंदर गरर भी है, इसके अंदर जहालत भी है, इसके अंदर सूद की दोनों किस्में हैं, रिबल नसिया रिबल फजल, ये सारी खराबियां इसके अंदर मौजूद हैं इंश्योरेंस के अंदर। लिहाजा इंश्योरेंस लेना ये जायज नहीं है। आप जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आप कहिए कि मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मैं बीमार हूंगा, मैं अपना इलाज खुद कराऊंगा, मुझे इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, तो कंपनी के अंदर भी जरूरी नहीं होता है। कंपनी अलबत्ता ये कहती है अगर आपको कंपनी की जानिब से हेल्थ सर्विस चाहिए तो आप इंश्योरेंस ले लीजिए और उसका उसकी किस्तें हम भरेंगे। आप कह दीजिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी ये वाली सर्विस नहीं चाहिए, मैं अपना इलाज खुद कराऊंगा, जी आप जी उसमें आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। कंपनी आपको मजबूर नहीं करती है, आपको दे रही है, आप चाहो तो सर्विस लो, चाहो तो मत लो, आप मत लो, मैं अपना इलाज खुद कराऊंगा। एक और चीज यहां पे मैं जिक्र कर दूं, जी सर जो कई कई दफा ये इश्काल कई लोग पेश करते हैं, हिंदुस्तान में भी मैंने सुना है कुछ लोगों को। देखिए, हमारी शरीयत के अंदर मजबूरी की सूरत में हराम काम का इर्तिकाब करना जायज होता है। जैसे कुरान के अंदर भी उसकी मिसाल मौजूद है, मैता का खाना सूरह मायदा के अंदर जैसा कि है जी जी कि अगर कोई आदमी मजबूर है, मर रहा है, मर जाएगा, भूखा है, अगर मुर्दार नहीं खाएगा तो मर जाएगा और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए इतना मुर्दार खा लेना जायज हो जाता है जितने से वो अपनी जिंदगी बचा सके। ठीक है, इससे जो जी है और इस जैसी बहुत सारी दीगर मिसालों से ये उसूल और ये कायदा निकलता है शरीयत के अंदर कि मजबूरी की हालत में, हालते इज्तिरार में हराम काम का इर्तिकाब करना इस कदर जायज है जितने में आप जो है उस हालत इस्तेरार से बाहर निकल जाएं, उतना जायज है। अब कई लोग हिंदुस्तान में आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि एक गरीब आदमी है और वो बीमार हो जाता है, उसको ऐसी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने कहा 10 लाख 20 लाख का खर्चा है आपके इलाज में। अब वो गरीब आदमी है, इलाज कहां से करवाएगा, या तो बगैर इलाज के वो ऐसे ही जो है पड़ा रहे, मरता रहे, या तो कहीं किसी हराम तरीके से वो रकम हासिल करके अपना इलाज करवाए। या कई दफा कई लोग ये कहते हैं कि कोई गरीब आदमी है, बहुत गरीब है, और इस जमाने में बीमारियां इतनी कसरत के साथ फैली हुई हैं, आए दिन लोग बीमार होते रहते हैं,
अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको बीमारियों से महफूज रखे। कई बीमारियां इतनी खतरनाक होती हैं कि उसमें बहुत लंबा खर्चा आता है। जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, उसका खर्चा बहुत लंबा है इलाज करवाने का। कोई गरीब आदमी है, वो कहां से इलाज करवाएगा? अगर कल को बीमार हो गया तो वो कहां से इलाज करवाएगा? यानी कभी तो वो बीमार हो जाता है, बीमारी मौजूद है, और कभी उसको खतरा है कि वो मुस्तकबिल में बीमार हो जाएगा तो उसका क्या होगा। इन दोनों सूरतों में कहते हैं कि जब वो आदमी गरीब है और लंबे इलाज का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है तो गोया की मजबूरी हुई उसकी। अब इस मजबूरी की सूरत में क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है ताकि अगर वो बीमार है तो इलाज करवा ले, अगर कल को खुदा ना खास्ता वो बीमार हो गया तो इलाज करवा लेगा। क्या वो इस सूरत में मजबूर माना जाएगा? क्या उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ये जायज है? तो कई सारे लोग आपको यहां ये बताते हुए मिलेंगे कि भाई ये उस गरीब की मजबूरी है, वो कोई शौक के लिए नहीं ले रहा है, वो बीमार है इसलिए ले रहा है, या उसको खतरा है कि कल को बीमार हो जाएगा तो क्या होगा इसलिए ले रहा है। उसका जवाब ये है कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। शरीयत के उसूलों से ला इल्मी की बुनियाद पर ऐसा लोग कहते हैं। हम ये बिल्कुल मानते हैं, बल्कि ये शरीयत का उसूल है कि मजबूरी की सूरत में हराम काम का इर्तिकाब करना जायज है, जिसको कि कहा जाता है अदरूरात तुबीहुल महदूरात। यानी अगर जरूरत आ जाए तो हराम चीजें, नाजायज चीजें जायज हो जाती हैं। और इस जरूरत का वो मतलब नहीं है जो हम उर्दू जबान में जो जरूरत कहते हैं। जरूरत का मतलब ये है शरीयत की जबान में कि अगर आपने उस काम को नहीं किया तो या तो आपकी आखरत खतरे में पड़ जाएगी या आपकी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, आपकी जिंदगी खतरे में है, तब ये जरूरत है। ठीक है, तो पहली बात तो जरूरत का ये माना है। दूसरी बात, हमारी शरीयत में जरूरत का एतबार कब किया जाएगा, यानी आप कैसी पोजीशन में पहुंच जाओ तब कहा जाएगा कि आप जरूरत वाली पोजीशन में पहुंच गए हो, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो जरूरत के मोतबर होने के लिए कुछ शर्तें हैं कि जरूरत का एतबार करके शरीयत में हराम काम का इर्तिकाब करना कब जायज होगा। पहली बात तो ये कि जरूरत उसको कहते हैं जो चीज वाके हो जाए, यानी वो चीज आ चुकी है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में आ सकती है। फ्यूचर में जब आएगी तब उस वक्त देखा जाएगा, तब आपको इजाजत दी जाएगी। जब वो चीज आ गई आपके सामने, आप उसके अंदर पड़ गए, तब वो जरूरत है। ये पहली बात। लिहाजा कोई ये कहे कि मैं बाद में बीमार हो सकता हूं, जब बीमार होना तब इस बारे में बात करना, अभी आप बीमार हुए नहीं हो, अभी जरूरत आपकी हुई नहीं है, और शरीयत में उस जरूरत का एतबार है जो वाके हो जाए, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जो जरूरत है उसका एतबार उस वक्त होगा, और हराम काम का इर्तिकाब जरूरत की वजह से उस वक्त करना जायज होगा जब जरूरत मुतायन हो। अंतकून जरूरा मुतायना, इसका माना क्या है? इसका माना यह है कि जो हराम काम आप जरूरत की वजह से करने जा रहे हो उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है आपके पास, सिर्फ वही एक ऑप्शन दुनिया में बचा है आपके सामने, तब आप उसको कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है, कुछ दूसरे ऑप्शन है जो थोड़े मुश्किल हैं लेकिन जायज हैं, तो आप उनकी तरफ जाइए। तो जरूरत का एतबार उस वक्त होगा जब जरूरत मुतायन हो, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन मौजूद ना हो, ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है जो कि बहुत अहम है, वो ये है कि उस हराम काम के इर्तिकाब से आपकी जरूरत यकीनी तौर से पूरी होने वाली हो, यकीनी तौर से। जैसे मैंने जो कुरान की मिसाल दिया सूरह मायदा की कि मैदा खाना जरूरत के वक्त जायज है, तो जैसे कोई आदमी भूख से मर रहा है, अगर वो थोड़ा सा खा लेगा तो उसका वो जो है उसके पेट में कुछ चला जाएगा तो बच जाएगा, उसकी जिंदगी बच जाएगी, ये यकीनी है कि उसकी भूख खत्म हो जाएगी खाने से। तो जिस हराम काम का इर्तिकाब आप करने जा रहे हो उससे आपकी जरूरत का पूरा होना ये यकीनी हो, ऐसा नहीं हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है,
जब यकीनी हो तब आप उसका इर्तिकाब कर सकते हो। अब इस तीसरे उसूल की बुनियाद पर दवाई के मसले को देखिए। दवाई के मसले के अंदर एक कायदा है कि ला दरूरता फी दवा या ला दरूरता फी तदावी, दवा के अंदर जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इलाज लेने से दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कहता है कि आप यकीनी तौर से 100% सही हो जाओगे। ये हर आदमी जानता है इलाज से शिफायाबी यकीनी नहीं होती है, कभी आदमी शिफायाब होगा कभी नहीं होगा। तो जो तीसरा उसूल है जरूरत के बाब में वो दवाई के मसले में फिट नहीं बैठता है। तो दवाई करवाने से, इलाज करवाने से आपका शिफायाब होना यकीनी बात नहीं है, लिहाजा इलाज करवाना यहां पर सही इलाज करवाना आपकी जरूरत नहीं है, वो जरूरत जिसका शरीयत में एतबार है। लिहाजा अगर कोई आदमी बीमार है और वो कहे कि मैं हराम पैसा लेकर के इंश्योरेंस लेकर के इलाज करवा लूं क्योंकि मैं जरूरतमंद हूं, तो हम उससे कहेंगे कि ये जायज नहीं है, क्योंकि आपका शिफायाब हो जाना यकीनी नहीं है। और हराम काम का इर्तिकाब जरूरत की बुनियाद पर उस वक्त जायज है जब उससे आपका फायदा पहुंचना आपको ये यकीनी हो, और यहां पर यकीनी नहीं है। लिहाजा दवाई के मसले को जरूरत के बाब में लाना ये कतान भी दुरुस्त नहीं है। तो खुलासा भाई के जवाब में ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस की जितनी भी शक्लें हैं वो जायज नहीं है, वो आपकी जरूरत नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, अल्हम्दुलिल्लाह उसूल आपने बता दिए, बहुत अहम। जी सरफराज भाई। शेख ये यहाँ पे जो है ना शेख, वीजे के लिए जो डॉक्यूमेंट है ये लाजिम रहता है, देखिए कंपनी को वो वीजे वीजा प्रोसेस करने के लिए ये डॉक्यूमेंट लाजिम रहता है हेल्थ इंश्योरेंस का। लेकिन जो दूसरे हैं जो यानी कि जो बाहर से जो करते हैं यानी कि जो अपने बिजनेस है छोटे छोटे बिजनेस जो करते हैं, उन लोग क्या करते हैं दूसरे तरीके से पैसा दे के वो एक नाम मतलब जस्ट एक मतलब नेम से के लिए वो लोग ये बनाते हैं, लेकिन वो असल में नहीं होता है। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है, तो इस शक्ल में क्या कंपनी ये जायज रहेगा इस शक्ल में? देखिए सरफराज भाई, ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि इंश्योरेंस लेना ये जायज नहीं है। कब जायज है? जब आपकी ऐसी जरूरत आ जाए कि अब आप सरवाइव नहीं कर सकते उसके बगैर, उसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे हिंदुस्तान में आपको रहना है तो कई सारी चीजों पर इंश्योरेंस जरूरी है, उसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। अब वहां पे आपकी मजबूरी है, वहां पे आप लेते हैं, तो अगर उसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते तब आपकी मजबूरी है, तब आप ले लीजिए। लेकिन अगर उसके बगैर आपके साथ आपके सामने दूसरे रास्ते मौजूद हैं उसके अलावा जायज रास्ते, तब आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते। कोई रास्ते नहीं है उसके अलावा, उसके बगैर आप जिंदगी सरवाइव नहीं कर सकते, तो आपकी मजबूरी है, तो फिर आप ले लीजिए। जी सरफराज भाई, ठीक। अब ये फैसला आप खुद कर पाएंगे कि क्या मेरे पास जिंदगी जीने के और ऑप्शन हैं कि नहीं, या यही नौकरी मेरी जरूरत है। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख।